ブルカカガガグ。ガガガ。हाँ मेरी बुडली का का दिमाग चाटना नहीं है कैमरे को। आज हम जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड बनाने, मेरा और रुद्रांश के पापा का। मेरा तो नया बनेगा और राशि का ना अपडेट होगा, क्योंकि राशि का ऑलरेडी बना हुआ है। यस, वो है गांव का, है ना? बिल्कुल। अपना मोबाइल नंबर बता। तो उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था ना, तो इसलिए मम्मी का नंबर दिया। तो लेकिन ये तो थोड़ा है, लेकिन अब यही चेक से चेंज करानी है, आपको पता है। पता तो अपना। हमने ना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए दे दिया है, और वो 20-25 दिन में वापस भी आ जाएगा बन के। मम्मी पापा फिर निकाल लायो। आपके लिए प्यार लाए हम, प्यार ना कार। कार? मेरा साला राम जो है वो चाय बना रहा है आपके लिए, मेरे लिए। और पापा हम गांव कब जाएंगे? हम जाएंगे मामा की शादी में। हम ओ मैं ना वापस खूब मस्ती करूंगा। अरे क्या बात। और आपके आपके शादी में भी। हमारी बुडली जो है वो आराम कर रही है, उसको आराम करने देते हैं। इसको निकालो बे। अच्छा, हम ना इसका दूध भी बना सकते हैं। अरे क्या बात, वाह, कड़ी चावल में पकोड़े। कड़ी चावल में पकोड़े। देवांशी तो सो रखी है। देवांशी ने तब खाई, बाद में खाएगी ना। हेलो गाइस, हम अभी ना खाना खा रहे हैं, आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके। ये लो पापा। मेरी बुडली उड़ गई है। देवा देखो बड़े भैया को प्यार कर दो। अले फिर कर दो। अले अले अले। मेरा भाई आ रहा है जिसकी शादी होने वाली है, तो वो ना कुछ दिन के लिए गांव जा रहा है, कुछ काम है शादी का। तो उसने कहा मेरे लिए पराठे बना देना सफर के लिए, तो गाड़ी में खाएगा ये पराठे। मतलब दिल्ली से गांव तक यू नो 10-12 घंटे तो लग जाते हैं बस में। अंडा तो नहीं थे। रोशन आ गया तू? रोशन मामा की एंट्री हो चुकी है और तेल ले पराठे तैयार है, अब गांव जाओ। ये देखो, ये देखो, ये बात जय करो मामा को। जय। ये देखिए शादी के कार्ड, दूल्हा जो है वो गांव ले जा रहा है। कितने कार्ड है टोटल? 100 कार्ड है। 100 कार्ड बाकी तो हैं। ये देखो कार्ड का, मैं एक स्पाइडरमैन बन लूंगा। 29 लिखो गाइस, मैं ना काउंटिंग लिख रहा हूँ। और देखो ये मैंने क्या लिखे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बताओ और भी लिखे बोलो। मैंने गाइस मेरे मामा का सामान पैक हो गया हूँ, अब मामा जा रहे गाँव। अरे आराम से। थैंक यू। सुबह कितने बजे पहुँचेगा? सुबह 8:30 बजे पहुँच जाऊँगा। 8:30 बजे, क्या बात है। बाल भी नहीं बनाए। बाय बाय, चलो ठीक है, ओके। हेलो। आज ना हम स्कूल में फिर से जा रहे हैं जहाँ पर रुद्रांश का टेस्ट हुआ था, और हम चाहते हैं कि उसी स्कूल में हो जाए। और स्कूल वो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखो मैंने ओके देवान से बोलने दो मुझे। मैंने ना स्कूल में कॉल किया तो उन्होंने बताया कि रुद्रांश का जो रिटर्न टेस्ट हुआ था ना वो सही नहीं गया, तो ये फेल हो गया। आप वहाँ लिख के नहीं आए थे क्या? आए था। मैडम बोल रही है कि रिटर्न टेस्ट सही नहीं गया। मुझे वो स्कूल अच्छा नहीं लगता, ठीक है? बाद में पता चलेगा तुमको, वो बहुत अच्छा स्कूल है।
दूसरा स्कूल अच्छा है, वो वाला स्कूल अच्छा नहीं है। रुको रुदू, आप फेल हो गए हो यार। क्या हो गया? फेल हो गया तो कुछ नहीं होता। हाँ कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, जो भी छोटे बच्चे हैं, रुद्रांश के दोस्त हैं, सबसे मैं कहूँगा कि फेल होना कोई गलत बात नहीं होती है, कोई बुराई नहीं है फेल होने में। और जब भी हम फेल होते हैं तो कुछ नई चीजें सीखते हैं, है ना? यस बाबा। हाँ, जो फेलियर है ना, वो हमारी जिंदगी में एक चुनौती लेकर के आते हैं कि किस तरीके से हमको कठिनाइयों का सामना करना है। उसके बाद जो जीत मिलती है उसका मजा ही कुछ अलग होता है। क्यों? यस बाबा। यस, तो फेल होने से नहीं डरना है, और जितनी बार फेल हो सकते हो, लेकिन हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है? पापा। चलो, जब हम कुछ करेंगे तभी तो फेल होंगे। बिल्कुल। करेंगे ही नहीं तो फेल भी नहीं होंगे, और फिर सक्सेस भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। तो देवान से समझ गई हो ना? ये रुद्दू का ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें हमने ये रख दिए सारे पेंसिल और शॉर्पनर। रबड़ का है। अले, स्कूल जा रहे हैं। अभी तेरी बारी भी आएगी एक साल बाद। मिली बुडली, आराम आराम से चलो। अभी हम जिस स्कूल में जा रहे हैं ना, उसका नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा है यार, वह सारी फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, पढ़ाई भी अच्छी होती है मैंने सुना है। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट लेते हैं ये लोग। सो अभी हमको ऑटो भी नहीं मिल रहा है, और ऑटो वाला कब मिलेगा पता नहीं। और जो स्कूल है ना, वो काफ़ी पास है हमारे घर से, 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के अंदर ही है। ये देखो लोग ऑफिस जा रहे हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझे फोन चाहिए। रुदू ना अभी टेस्ट देने के लिए गया है, उसका रिटर्न टेस्ट फिर से हो रहा है, और ओरल टेस्ट होगा। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर हो जाए। रुदू को ना प्रिंसिपल मैम ने टॉफी भी दी ना। हाँ। मैम ने लिखने के लिए क्या दिया था? मैम ने लिखने के लिए दिया 1 2 एबीसीडी अचार। अच्छा, और कैसा गया टेस्ट? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा, आज तो प्रिंसिपल मैम और मैम रुदू से बहुत खुश थी, एंड टॉफियां भी दी उसको, और देखते हैं कि कल क्या रिजल्ट आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड, और टॉफी भी मिली उसको। Hi beautiful ladies. Hello beautiful boys. Handsome boys. आजा आजा, लाइट खोलो। चलो रुदू, रुदू पहले हाथ 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 धो। Hello handsome boy, what are you doing? Hi uncle. Uncle is handsome man. बहुत handsome. Yeah. बोले. Yeah. देवांशी मैंने बोली, मैंने ना आपके लिए चॉकलेट वाली बिस्कुट लाई है। ये आपके लिए, बाटल। ये मम्मी के लिए। अरे. Thank you. Welcome. अब मामा को भी दे क्या? Thank you. ये आपका है। आपका टेस्ट कैसे गया? बहुत अच्छा। क्या क्या लिखा आपने? एबीसीडी। थैंक यू। अच्छा, उन्होंने रुद्दू को बहुत सारी टॉफियां भी दी। सो ये तो कम है, और भी है मेरे जेब में। सो ये सब टॉफियां मैं एक एक करके खाऊंगा रात को। ये सब टॉफियां, इससे भी ज्यादा टॉफी थी आधी, तो रुद्दू ने वही बच्चों को बांट दिए एक दो, और अच्छा लगा। मतलब अब देखते हैं कल क्या होगा। बढ़िया होगा सब। जैसे मेरे इंटरव्यू का हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों आप अपना ख्याल रखना, आपको जल्द मिलेंगे। देवांशी और रुद्दू की तरफ से ढेर सारा प्यार।